अगर आपको एक बड़ी पिंपल्स हो जाएं तो उसके निशान जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जाएंगे। बस शर्त एक यही है कि इसने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है, फिल्टर लगाया है। इस वीडियो में जो भी मैं शूट कर रही हूँ इसमें कोई फिल्टर नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शुगर पम व्लॉग्स। आई होप आप सब होंगे बहुत अच्छे और कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी इंजॉय। नहीं भी कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दो, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है गाइज। मैं बहुत खुश हूँ, पहले तो मैं आते ही एक अपडेट देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बाल पीछे होने लग गए हैं, पता है, आंखों के बीच में नहीं आ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करे थे कि आप एक वीडियो बनाओ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की। पहले तो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक करा, इंस्टाग्राम रील को, ट्रांसफॉर्मेशन रील को। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो उस रील को, एंड थैंक यू सो मच। वो वीडियो ने 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए एंड आई एम सो हैप्पी। कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे उस पर, एंड नेगेटिव कमेंट्स में ये था कि इसने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है, फिल्टर लगाया है। इस वीडियो में जो भी मैं शूट कर रही हूँ इसमें कोई फिल्टर नहीं है। ऑल दो मेकअप है, आई नॉट लाई, बट फिल्टर सिर्फ आपका रंग चेंज कर सकता है, बट आपके जो असली शक्ल है वो नहीं चेंज कर सकता, राइट? बात तो सही है। कई लोग तो प्लास्टिक सर्जरी तक बोल रहे थे कि मैंने कराई है। क्या दिमाग पाया है। और कुछ ने ये भी लिखा था कि इसने बाहर जाना था तो इसीलिए ये लोगों का वो सहन ना कर पाती, मतलब लोग इसको बुरा बोलते, तो इसने इसने वेट लॉस कराया। कुछ भी लिखा है लोगों ने। कुछ भी मैंने वेट लॉस अपने लिए किया था, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए की थी, किसी दुनिया वाले के लिए नहीं की थी, ठीक है? तो हाँ जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं देखी है या पिक नहीं देखी है तो मैं साइड में यहाँ पर डाल दूँगी वो फोटो बिफोर एंड आफ्टर की, तो वो। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ ये कि दो दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे कि आपके पिंपल्स कैसे गए और आपके वेट कैसे लॉस हुआ। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे पिंपल्स के बारे में। तो पिंपल्स का ऐसा था कि मेरे को पिंपल्स हुए क्यों, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक कैसे हुए, कितने टाइम में हुए और किस चीज़ से ठीक हुए वो भी बताऊंगी। तो पिंपल्स मुझे इसलिए हुए थे क्योंकि मैं जब वेट लॉस कर रही थी तो मैं बहुत गर्म चीज़ें खाती थी, तो मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। जो पिंपल्स होते हैं वो होने के बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, आपकी डाइट हो सकती है, मेरे केस में डाइट थी, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब आपको पहली चीज़ तो ये है ऑफ कोर्स कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पिंपल्स हो किस वजह से रहे हैं। बहुत लोगों को इस वजह से भी होता है क्योंकि वो पानी नहीं पीते हैं, उनका वाटर इंटेक बहुत कम होता है, मेरा भी बहुत कम है। तो उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे पिम्पल्स हो क्यों रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि अब कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि जब हमें पिम्पल्स हो जाते हैं तो पिंपल्स होने के बाद उसके निशान कभी नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपने फ़ोटो में देख ही लिया होगा, नहीं तो मैं यहाँ लगा दूँगी। कि अगर आपको एक बड़ी पिंपल्स हो जाएं तो उसके निशान जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जाएंगे। बस शर्त एक यही है कि आप उनको पॉप नहीं करना है। मैंने आज तक कोई पिंपल पॉप नहीं करा, ना मेरी आदत थी, लाइक कईयों को होता है ऐसे टच करने की, बट मेरे को नहीं थी। तो आपको अपने पिंपल्स कभी भी पॉप नहीं करने हैं और उनके निशान चले जाते हैं, टच वुड। अभी मेरी स्किन बहुत क्लियर है तब से। तो हाँ, ये चीज़ें थी, ये डाइट का सारा रोल था।
अब आपको इसको ठीक कैसे करना है। एक और चीज़ है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा लगता है कि हमारे पिंपल्स ठीक होंगे बाहर के प्रोडक्ट्स लगाने से। मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ, जब मुझे पिंपल्स हुए तो ये मेरी लाइफ में, मेरे को पिंपल्स होते रहते हैं बट ये मेरी लाइफ में वो फेस था जो मुझे सबसे ज़्यादा हुए, बहुत एक्सट्रीम हुए, जब मैं थी अराउंड 16-17 ईयर्स की। तो ये तब फेस था कि मुझे सबसे ज़्यादा पिंपल्स हुए। और कई लोग कहते हैं कि एज के हिसाब से भी होते हैं पिंपल्स, होते हैं बट इतने ड्रास्टिकली नहीं होते हैं जितने मुझे हुए। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपको ऐसे होने लग जाते हैं पिंपल्स, तो पहले चीज़ तो घबराना मत। और मेरे को पता है बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, सो नथिंग लाइक दैट। मेरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ था ऑनेस्टली। मैं जिम भी जाती थी, लोगों से मिलती भी थी, बात भी करती थी। हाँ, अगर किसी ने कह दिया यार तेरे फेस को क्या हो गया, कभी बुरा लग सकता है, बट अदर देन दैट मुझे इतना कभी नहीं लगता था कि मैं बाहर जाना, निकलना ही बंद कर दूँ। बट मुझे ऐसे बहुत लोग पता है जो निकलना ही बंद कर देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। तो पहली चीज़ तो उस चीज़ को दूर करो। आप जैसे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, भगवान ने आपको जैसा बना के भेजा है, राइट? और जैसे आप हो एक्सेप्ट करो, ठीक है? जो मेन चीज़ है जिससे आपके पिंपल्स ठीक हो सकते हैं वो मेन डाइट है। वो बाहर की चीज़ें अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद मैंने 1-2 महीने ऐसे ही वेस्ट करे। इतने प्रोडक्ट्स, इतनी महंगी महंगी चीज़ें मैंने मंगवाई और 1-2 दिन लगा के छोड़ दी। उससे हमेशा मेरे पिंपल्स बढ़े। मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया कि हाँ किसी तरीके ठीक हो जाए। उससे चीज़ें बढ़ी और रिएक्शन होते थे। कभी मेरी स्किन रेड हो जाती थी बहुत ज़्यादा और इरिटेशन होती थी। तो मैं वो चीज़ें कभी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप यूज़ करो जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो, ठीक है? अब एक जो मेन चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने पिंपल्स ठीक करने के लिए, वो एक मैजिकल ड्रिंक है जो मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनाई थी। और वो ड्रिंक होती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आई थिंक 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसकी पूरी रेसिपी, वो कैसे बनाना है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख देना। मैं ज़रूर मम्मी से पूछ के वो ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। पर उसमें आपको जो 5 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो होता है नीम, एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, करेला। हाँ यही थी, सॉरी चार ही थी। तो सॉरी, 4 ही चीज़ें थी, 5 नहीं थी। ये 4 चीज़ें थी। आपको इसको कूट कूट के इसका रस निकालना होता है। और मैं वो जब रस निकल जाता है उसको वाटर में मिक्स करके पीना होता है खाली पेट अर्ली मॉर्निंग। मैंने ये 3 मंथ्स पिया था और उस 3 महीने में मैंने किसी डॉक्टर की कोई दवाई नहीं ली, मैंने अपने फेस पे कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा। मैं ऐसी इतनी आलसी हूँ, मतलब आई डोंट नो, लड़कियों को बहुत शौक होता है स्किन केयर करने का ये सब, बट मैं इन चीज़ों में बहुत आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे मूड होए भी सच में 1-2 दिन हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं धोती, मतलब सोप से मूड होने में। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये सिर्फ डाइट का है। तो अगर आप ये ड्रिंक पियोगे फॉर 3 मंथ्स, मेरे को पता है कि बहुत कड़वी ड्रिंक बनती है, बहुत कड़वी ड्रिंक। तो ये अगर आपने 3 महीने पी ली खाली पेट, कुछ दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, 3 महीने बाद जो चमकता हुआ चेहरा बाहर आएगा ना, आप शौक हो जाओगे, शौक। और इसके साथ मेरे को मेन फ़र्क इससे पड़ा, बट इसके साथ मैंने एक प्रोटीन पाउडर भी ऐड करा था। तो वो प्रोटीन पाउडर थोड़ा सा गर्म होता है, तो वो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी स्टार्टिंग में। बट अगर आप, वो भी होममेड प्रोटीन पाउडर था, मम्मा ने बनाया था, तो उसकी भी मैं रेसिपी ज़रूर डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, बट अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं उसको नहीं बताऊँगी वो कैसे बनेगा। तो हाँ, ये थी मेरी पूरी कहानी और आपको मैंने अपना सीक्रेट बता दिया कि पिंपल कैसे ठीक हुए, क्योंकि मेरे पास इतने सारे DMs आए थे इसको लेके। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सेकेंड चीज़ होती है कि आपका वेट लॉस कैसे हुआ था। वेट लॉस पे शायद मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पर मैं फिर ये बता देती हूँ कि वेट लॉस में अगेन
आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज, मेनली डाइट रोल प्ले करती है 80-20। सो आपकी डाइट में जो तीन गोल्डन रूल्स होते हैं, अब मैं यहाँ पर हर एक को अलग डाइट प्लान तो नहीं दे सकती हूँ, बट मैं आपको वो गोल्डन रूल्स बता सकती हूँ जिससे जो हर एक को हेल्प कर सकता है। पहली चीज़, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सूट करते हैं, तो इसीलिए जो मेन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं, वो है कि आप अपनी डाइट एक फिक्स टाइम पे लो, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट, जिससे हमारी बॉडी को आदत हो जाती है वो डाइट लेने की, एक चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये कि जितना हो सकता है मीठा कम कर दो। अगर आप जितना मीठा खाओगे, ऑफ कोर्स आपका वेट थोड़ा नहीं, वेट लॉस नहीं होगा कंसिस्टेंटली। और तीसरी जो मैंने गलती करी थी पर्सनली, कि एकदम से जो कार्ब्स होते हैं जैसे रोटी परांठा, वो मत छोड़ दो, क्योंकि अगर आप एकदम से ये सब चीज़ें छोड़ के डाइट स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, मतलब इंटरनली। तो इसलिए धीरे 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 अपनी जो चीज़ें हैं उसको रिड्यूस करो, एकदम से मत करो कुछ भी। तो ये मेरे को तीन चीज़ें लगी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को, और घी मक्खन दूध, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, पर मैं ऐसा सजेस्ट किसी को नहीं करूँगी बंद करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्वांटिटी मैटर करती है इन सब चीज़ों की, बट ये बिल्कुल मैटर नहीं करता आप ले रहे हो या नहीं, मतलब नहीं ले रहे हो तो करता है मैटर, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये मत छोड़ना, जो गलती मैंने की थी वो मत करना। ऑल दो कनाडा आने के बाद बहुत लोगों ने मुझे ये भी कमेंट्स करे थे कि आपका वेट बढ़ गया है, आप मोटे हो गए हो। मेरा वेट 10 kgs बढ़ गया है, जब मैंने इंडिया में लूज़ करा था 25 kgs करा था, 20-25, और यहाँ आने के बाद मेरा 10 किलो बढ़ गया है। पर लोग बोल बहुत आसानी से देते हैं, बट उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती है। यहाँ पे आके मुझे काम करना है हफ्ते में 40 घंटे, यहाँ आकर मुझे पढ़ना है, और मेरी पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है, और उसके बाद मुझे बर्तन खुद करने हैं, झाड़ू पोछा जो भी होता है सब कुछ खुद से करना है, तो उसके बाद मेरे पास वर्कआउट का और ख़ुद का खाना बनाने का टाइम नहीं बचता है। तो कई कई दिन ऐसा होता है कि मैं भूखे पेट सो जाती हूँ, और मोस्ट ऑफ द डेज़ मुझे बाहर का ही खाना पड़ता है, तो बाहर का खाऊंगी और जिम करने का टाइम नहीं मिलेगा तो मोटी होंगी, राइट। तो हर एक चीज़ का टाइम होता है, जो आपको जिस टाइम पर करना ज़रूरी है वो करो। तब मुझे लगा था मेरा वेट लॉस ज़रूरी है, मैंने वो किया, मेरे पास और कुछ चीज़ें नहीं थी करने की के लिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरा करियर मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं वो करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हेल्थ भी एक प्रायोरिटी होती है, तो दोनों को बैलेंस करना भी मुश्किल है, बट दोनों में से अभी मैं चूज़ अपने करियर को करूँगी, और साथ साथ हेल्थ पे जितना हो सकता है उतना मैं ध्यान दे रही हूँ। कुछ कुछ दिन डाइट करती हूँ, कुछ कुछ दिन बीच में जिम भी चली जाती हूँ, सो बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, वो अलग चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है किसी भी वे में, और अगर आपको लगता है कि कोई आइडिया आपको मेरा गलत लगा, सही लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और जिस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, फाइनली मैंने डाल दी है, अब आप देख लेना कि वेट लॉस और एक्ने का क्या ट्रीटमेंट है। एक्ने में कोई प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ डाइट, और दूसरी में भी सिर्फ डाइट, तो गोल्डन रूल डाइट है। अपनी डाइट अच्छी रखो और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो, आधा घंटा एक घंटा वॉक कर लिया करो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। रात का खाना लाइट खाया करो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बंद ही कर दो खाना, कई लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं, लाइट खाना जो बहुत लाइट होता है, सैलेड सूप कुछ भी ऐसा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वैसे ये इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन है, सबको पता होती है, बट मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी है जो मेरे साथ हुआ, या पिंपल्स थे या वेट लॉस जर्नी थी या जो भी था। तो आई होप इसमें अगर कुछ डिफरेंट लगा हो आपको, कुछ नॉलेज मिली हो, और मैं किसी की हेल्प कर पाई हूँ, तो
यस, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड कुछ भी डाउट्स हो ऑलवेज राइट इन माई कमेंट सेक्शन. मिलते हैं, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें और बाय.